और इनका जो सबसे ट्रिकी, जिसको मैं मानता हूँ, जिसको ये नेविगेट करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं, वो अमेरिका और चाइना की बैलेंसिंग है। और वो अमेरिका और चाइना की बैलेंसिंग ऐसा लग रहा था कि बाइडेन के आने के बाद में बहुत सफलतापूर्वक ये लोग कर लेंगे, लेकिन ना अभी लग रहा है कि वो भी नहीं हो रहा। चाइना भी घास नहीं डाल रहा, अमेरिका भी घास नहीं डाल रहा, और खाली उनको ये लग रहा है कि अफगानिस्तान में हम कुछ कर लेंगे, वहाँ भी मामला जो है वो तालिबान पूरी तरह से इनके काबू में नहीं आ रहा। तो ये जो अमेरिका चाइना वाली एक्सिस है, इस पर क्या कर रहे हैं ये लोग? सर कर कुछ नहीं सकते, मैं आपको बताता हूँ। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, मैंने आर्टिकल भी लिखा था, वही एग्जाम्पल मैं दोबारा देता हूँ, और ये बार बार एग्जाम्पल देने की जरूरत है, लोग समझ जाएं। ये वही एग्जाम्पल है शोले फिल्म में, जैसे वीरू था ना जो टंकी पे चढ़ गया था कि मेरी शादी नहीं होगी बसंती के साथ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मौसी जेल जाएगी। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। अब देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका को डराया, इन्होंने ये बोला अमेरिका को कि आप देखिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर हम अनस्टेबल हो गए तो क्या हुआ, अमेरिका डर गया। इन्होंने हैशटैग चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, और $4-5 million कुछ इकट्ठा भी करवाए थे इन्होंने, और बाइडेन को उसके अपने जब इलेक्शन कैंपेन थी उसके लिए हेल्प भी करा था पाकिस्तानियों ने। अब बाइडेन पुराना ओबामा का चेहरा है सर, और ओबामा वो आदमी है जो कि वर्ल्ड पीस की बात करते करते उसने इतनी ड्रोन स्ट्राइक करवाई है पाकिस्तान में, उसने नॉर्थ वेस्ट पूरा पाकिस्तान पूरा साफ करवा दिया ड्रोन स्ट्राइक, हजारों ड्रोन स्ट्राइक करवाई उसने, और सैकड़ों पाकिस्तानियों को मरवाने के बाद वो गया आदमी, मैं तो उसको सल्यूट करता हूं ओबामा को, उसने इतने पाकिस्तानी मारे, फिर उसके बाद वो नोबेल पीस प्राइज भी ले आया सर ओबामा, और सब कुछ करके 2 बार प्रेसिडेंट बनके रिटायर हो गया ओबामा। अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला बाइडेन जो आएगा फिर हम चाइना और इनके बीच में बैलेंसिंग करेंगे, चाइना से कुछ पैसे लेंगे। अच्छा, चाइना को $9 billion देने थे इनको, चाइना ने रिड्यूस करके 6 करा, 6 से अब रिड्यूस करके चाइना ने 0 कर दिया। चाइना ने बोला तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें हम समय भी दें, पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, भागो यहां से। अब ये परेशान हो गए, तो अब चीन का ये, चीन ने सब कुछ रोक दिया सर, सीपैक रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। अब अमेरिका हट रहा है अफगानिस्तान से। इनके पास 2 लीवर थे अफगानिस्तान में, एक तो लीवर ये था कि अगर अमेरिका रहता है तो अमेरिका का सारा साजो सामान बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू जाता है, तो एक हमारे पास लेवरेज है, अमेरिका कुछ कहेगा तो अमेरिका को टाइट कर सकते हैं। जैसे सलाला चेक पोस्ट का वाकये के बाद इन्होंने कुछ कुछ करा था, अपना दिखाया था रंग, फिर ये लाइन पे आ गए थे पैसे वैसे खा के। और दूसरा मामला ये था सर इनका कि अगर अमेरिका चला भी जाता है वापस, तो कम से कम हम पोस्ट अमेरिकन एग्जिट या पोस्ट इंटरनेशनल जो भी आर्मीज थी वहां पे, कोलिशन था, उसके एग्जिट के बाद वी विल हैव सम से इन अफगानिस्तान, हम कुछ तो अफगानिस्तान में कर पाएंगे। इनका ये था कि हम अफगानिस्तान में चाइना को ले आएंगे, चाइनीज तो बड़े तेज है सर। चाइनीज ने यह बोला कि भाई हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है, हमें अफगानिस्तान जाना है तो Why do we need Pakistan to go into Afghanistan? वैसे ही चले जाएंगे। उन्होंने साइन कर दिया सर 400 बिलियन की डील ईरान के साथ, ठीक है, हो गया। They have circumvented Pakistan. पाकिस्तान की फिर एक बार जेब कट गई। अब पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं रह गया। ये जो पूरा जियो, इन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं करी सर, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, इन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी इतनी जबरदस्त है कि लोग इसी से इंप्रेस हो। और ये जिन्ना ने इनके दिमाग में कीड़ा डाला था कि तुम अगर नौकरी भी नहीं करोगे तुम ऐसे दामाद हो जिसको बैठ के दुनिया खिलाएगी। यही बिलीफ से 73 साल से मुल्क चल रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे लोग हमें बैठ के खिलाएंगे। अब लोगों ने खिलाना बंद कर दिया। बाइडेन ने तो बोल दिया कि मैं साल के अंत तक निकल जाऊंगा। वो 9/11 की एनिवर्सरी तक की बात कर रहा है, डिले हो गया सर, दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक अमेरिकन फोर्सेस चली जाएंगी वापस। प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि वी आर गेटिंग आउट, फिर क्या करेंगे। अब इन्होंने, अमेरिका ने 2 बेसेस मांग लिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान फिर खौफ खा रहा है कि हमसे बेसिस मांगिए। तो हर जगह से फंसा हुआ है सर ये, पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है।